फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में तमाम अखबारों में क्या क्या सुर्खियां रहीं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा को लेकर, जो कि आज से जो है ठीक 3 दिन बाद आयोजित होने वाली है। ठीक है, इसको लेकर तमाम, जैसे कि आपको पता है कि बेरोजगार संघ अपना धरना दे रहा है गांधी पार्क में, और तमाम अभिभावक भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसी सिलसिले में पटवारी भर्ती परीक्षा को भूख हड़ताल, तो आप देख सकते हैं कि पेपर जाँच समेत 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय नीति समूह मुखर हो गया है। बुधवार को समूह से जुड़े विधि के छात्रों ने माल रोड स्थित गांधी पार्क पर 3 घंटे तक यहां पर आप देख सकते हैं भूख हड़ताल की। तो लगातार जो है यहां पर अभ्यर्थी अपना रोष जता रहे हैं। बाकी आपकी क्या राय है, 12 तारीख को पटवारी लेखपाल की परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लोक सेवा आयोग की ओर से एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जैसे कि आपको पता है कि कनिष्ठ सहायक का जो पेपर है, जो कि 5 मार्च को शेड्यूल है, ठीक है, उसके जो है एडमिट कार्ड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं 18 फरवरी 2023 से। जी हाँ, आपको एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लोक सेवा आयोग ने एक बड़ी जो है यहाँ पर चेतावनी अभ्यर्थियों को दी है कि अगर OMR आंसर शीट पर अंगूठे का निशान न लगाया तो भर्ती से आप जो है बाहर हो जाएंगे। जी हाँ, लोक सेवा आयोग की संभागीय निरीक्षक परीक्षा में अगर उम्मीदवारों ने OMR आंसर शीट पर अंगूठे का निशान न लगाया तो उसका मूल्यांकन नहीं होगा। आयोग ने बुधवार को 19 अप्रैल को होने जा रही स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर यह निर्देश दिए हैं। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक संभागीय निरीक्षक परीक्षा के एडमिट कार्ड 4 अप्रैल से आयोग की वेबसाइट पर जारी होंगे, जिसका पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। इस वस्तुनिष्ठ परीक्षा में 4 सवालों के गलत जवाब देने पर जो है 1 अंक काटा जाएगा। नहीं, इन्होंने सारी यहाँ पर जो है अपनी चीज़ें बता दी, इसलिए सावधानी से आप जो है इसकी परीक्षा दें। बात करते हैं उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर की भर्तियों को लेकर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष है ऋतु घंडूड़ी ने क्या कहा है कि विधानसभा सचिवालय की भर्ती एवं सेवा नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जल्द ही नियमावली तैयार की जाएगी और यहाँ पर उसी नियमावली के तहत विधानसभा सचिवालय में भर्तियाँ और प्रमोशन के लिए जो है नियम बनाए जाएंगे। और जिस तरह से बैकस्लैश झेलना पड़ा है विधानसभा की बैकडोर की भर्तियों को लेकर पूरे गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड को, वो एक बानगी नज़र आती है। बाकी इस खबर पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और भर्ती परीक्षा जो कि निरस्त हो सकती है। जी हाँ, यहाँ पर आयोग की JEE परीक्षा हो सकती है निरस्त। जी हाँ, लोक सेवा आयोग सख्ती के मूड में है, ठीक है। उसके अलावा JEE यहाँ पर आपसे दे सकते हैं कि AE परीक्षा में उसे कोई भी लीकेज जो है ठोस सबूत नहीं मिले हैं, उसे क्लीन चिट मिल सकती है, बट JEE भर्ती को यहाँ पर जो है कैंसिल किया जा सकता है। और इसके ऊपर अभी बहुत जल्द आप लोगों को और भी खबरें देखने को मिलेंगी। बाकी क्या ये भर्ती निरस्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भर्ती धांधली को लेकर। लगातार उत्तराखंड में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गैंग भी इस तरह से काम कर रहे हैं, जो परीक्षा पास कराने के नाम पर आपसे पैसे वसूल रहे हैं, तो इस पर आप बहुत सतर्क रहिएगा। उसके अलावा भर्ती धांधली को लेकर, उसके अलावा नकल रोधी कानून को लेकर उत्तराखंड की भर्ती परीक्षाओं में, जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के बैनर तले पूरे देहरादून में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में ये आंदोलन चल रहा है। क्या इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा जरूर। उसके अलावा आप देख सकते हैं कांस्टेबल भर्ती में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ठगी के लिए इन्होंने जो है जाल बिछाया था। उसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें यहाँ पर तमाम बाहर होती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो बड़ी खबर, उसके अलावा प्रशिक्षित बेरोजगारों ने आप देख सकते हैं घेरा मंत्री का आवास। ये वही है, PRT भर्ती है, आप देख सकते हैं रिक्त पदों के लिए जो है 2018, 2020, 2021 में विज्ञप्ति जारी हुई थी, लेकिन 4 वर्ष से अधिक समय बीतने जाने पर भी विभाग अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाया है। पूरा मामला NIHDLED वर्सेज BEd डाइट का मामला चल रहा है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चढ़ा गया है, जिसपे सुनवाई जो है लगातार हो रही है। बाकी इन खबरों पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।